फ्रांस का फेमस एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने न सिर्फ दुनिया भर में एक से बढ़कर एक वॉर्स जीती बल्कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी एक मेन लीडर बनकर सामने उतरा। लेकिन 5 मई 1821 में 51 साल की उम्र में ही नेपोलियन की मौत बड़ी ही मिस्टीरियल अंदाज में होती है, क्योंकि नेपोलियन की डेड बॉडी पर हुई ऑटोप्सी रिपोर्ट ने उनकी मौत का रीजन स्टमक कैंसर बताया था। लेकिन साल 1961 में हुई एक रिसर्च के बाद ये पता लगा कि न सिर्फ उनकी मौत की वजह आर्सेनिक पॉइजन से हुई थी, और तो और ऑटोप्सी के दौरान ही उनके प्राइवेट पार्ट तक को काट दिया गया था। तो आखिरकार कैसे एक जूनियर मिलिट्री लेफ्टिनेंट बन गया फ्रांस का सबसे बड़ा एम्परर, और तो और क्या वजह थी नेपोलियन की मौत के पीछे, जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में कॉर्सिका नाम की एक आइलैंड पर होता है, जहां पर इस आइलैंड को फ्रांस ने नेपोलियन के जन्म से एक साल पहले 1763 में ही कॉन्कर किया था। नेपोलियन के फादर कार्लो और उनकी मदर मारिया दोनों ही एक रेवोल्यूशनरिस्ट और लॉयर थे, और दोनों लोगों ने ही कॉर्सिका की इंडिपेंडेंस के लिए फ्रांस के अगेंस्ट चल रही लड़ाई में भी पार्ट लिया था। लेकिन साल 1769 में कॉर्सिका और फ्रांस की वॉर में कॉर्सिका की हार के बाद कार्लो ने फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जहां पर वो कॉर्सिका में फ्रांस के किंग लुई 14 के रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे। नेपोलियन के अच्छे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ही वो हायर स्टडीज भी अफोर्ड कर सकते थे, जो उस टाइम पर दूसरे कॉर्सिकन बच्चों के लिए काफी बड़ी बात थी, जिसके बाद 9 साल की उम्र में वो आगे पढ़ाई करने के लिए फ्रांस के एक रिलीजियस स्कूल में एडमिशन लेते हैं, और वहां से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो एक मिलिट्री एकेडमी में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि नेपोलियन एक कॉर्सिकन थे, इसलिए फ्रांस के दूसरे बच्चे उनकी कम हाइट और टूटी पूटी फ्रेंच बोलने की वजह से अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन बचपन से ही नेपोलियन एक काफी अच्छे लीडर थे, इसीलिए अपने लीडरशिप और ब्रिलियंट माइंड की वजह से एक बार उन्होंने जूनियर स्टूडेंट्स को बड़े कद के सीनियर स्टूडेंट से स्नोबॉल फाइट जीतने में भी मदद करी थी, सिर्फ अपने ब्रिलियंट प्लान की वजह से, जिसके बाद नेपोलियन अपना एडमिशन पेरिस के इकोले मिलिटेयर नाम के मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल में लेते हैं, जहां पर वो फाइट करना और वेपन को ऑपरेट करना सीखते हैं। लेकिन उन्हें अपने फादर की डेट और घर की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए उन्हें अपना 2 साल का कोर्स को 1 साल में ही मजबूरन कंप्लीट करना पड़ता है, जिसके बाद 23 साल की उम्र में नेपोलियन ला फेरे आर्टिलरी रेजिमेंट में एक सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं, क्योंकि मिलिट्री की काफी ज्यादा जूनियर लेवल की पोस्ट थी। जिसके बाद साल 1789 में फ्रांस की जनता ने किंग्स और नोबल के अगेंस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन का आगाज कर दिया, जहां पर लोगों ने इक्वल राइट्स मांगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी थी, क्लर्गी, नोबल्स और कॉमन पीपल। क्लर्गीज यानी चर्च ऑफिशियल्स, जो कि पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स थे, और ये किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं किया करते थे। इसके बाद थे नोबल्स, जो कि फ्रांस की सोसाइटी के स्मॉल परसेंटेज एलीट्स और रईस लोग थे, जिनके पास स्पेशल राइट्स होती थी, और उस टाइम पर ये भी किसी तरह का टैक्स नहीं पे किया करते थे। जिसके बाद आते थे कॉमन पीपल, जिनके पास ना तो उस टाइम पर ज्यादा राइट्स थी, और ये लोग भुखमरी और खाने की कमी जैसी समस्याओं से पीड़ित होने के बावजूद भी इनसे हद से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा था। इसलिए नेपोलियन ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का सपोर्ट किया और इस वॉर में सिविल अनरेस्ट को शांत करने में मदद करी, और उनकी इन्हीं लीडरशिप एबिलिटीज के वजह से साल 1794 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने नेपोलियन को साउथ फ्रांस के एक पोर्ट सिटी टियुलॉन में भेज दिया, एक मिलिट्री कैप्टन की तरह इस वॉर ऑफ टियुलॉन में पार्ट लेने के लिए। उस टाइम पर टियुलॉन की जनता फ्रांस गवर्नमेंट की जगह ब्रिटिश रूल चाहती थी, लेकिन नेपोलियन की सूझबूझ और ब्रिलियंट टैक्टिक्स की वजह से वो वॉर ऑफ टियुलॉन जीतने में कामयाब हो जाते हैं। नेपोलियन की ये जीत फ्रांस गवर्नमेंट के बीच अपनी छवि को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाती है, और फ्रेंच रिपब्लिकन के बीच उनकी इमेज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए फ्रेंच रिपब्लिकन नेपोलियन को कई और वॉर लीड करने के लिए भेजते हैं, जिसमें से हर जंग नेपोलियन अपनी ही लीडरशिप में जीत कर लौटते हैं, और पूरे फ्रांस भर में ही नेपोलियन को एक हीरो की तरह देखा जाने लगता है। जिसके बाद साल 1792 से 1797 के बीच हुई वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन जीतने के बाद फ्रेंच रिपब्लिकन नेपोलियन को फ्रेंच आर्मी का कमांड दे देते हैं, लेकिन फ्रांस की
पूरी मिलिट्री पे कंट्रोल होने के बाद भी नेपोलियन अभी भी खुश नहीं थे, क्योंकि नेपोलियन के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वो अब पूरे फ्रांस पर ही कंट्रोल करना चाहते थे। और तो और, इस जंग के बाद से ही नेपोलियन का इन्फ्लुएंस फ्रांस की पॉलिटिक्स में भी बढ़ने लगा था। इसलिए नेपोलियन ने दो न्यूज़पेपर लॉन्च कर दिए, एक मिलिट्री ट्रूप्स के लिए और एक फ्रांस की जनता के लिए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि काफी लोगों को ये भी डर था कि अब नेपोलियन एक तानाशाह की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि इटली में वॉर के दौरान उसने पूरे इटली से $45 मिलियन लूट लिए थे। इसके बाद अब ना तो नेपोलियन के पास कोई पैसे की कमी थी, और तो और फ्रांस की जनता और मिलिट्री दोनों ही उसे एक हीरो मानती थी। इसलिए नेपोलियन ने फ्रांस के न्यू फॉरेन मिनिस्टर टैलीरैंड के साथ मिलकर ब्रिटिश को इन्वेट करने का फैसला किया। इसके बाद अपनी 2 महीने की पूरी प्लानिंग के बाद नेपोलियन ये सोचता है कि फ्रांस की नेवी स्ट्रेंथ ब्रिटेन की नेवी स्ट्रेंथ के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए नेपोलियन मिडिल ईस्ट में मौजूद इजिप्ट को कैप्चर करके ब्रिटेन के ट्रेड रूट को बंद करने का फैसला करता है, ताकि वो उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर के सबसे बड़े एनिमी इंडिया के टीपू सुल्तान से हाथ मिला सके और फ्रांस की मिलिट्री इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर ब्रिटेन को हरा सके। इसलिए एयर 1798 में नेपोलियन ने इजिप्ट पर धावा बोल दिया, और तो और बैटल ऑफ पिरामिड नाम की वॉर को जीत लिया। लेकिन इजिप्ट में बैटल ऑफ पिरामिड जीतने के बावजूद भी वो एक और बैटल, बैटल ऑफ नाइल, ब्रिटिश फ्लीट की वजह से बुरी तरह हार जाता है। और फ्रांस की आर्मी की बुरी हार के बाद नेपोलियन रातों रात सिर्फ 400 से 500 सैनिक साथ इजिप्ट छोड़कर भाग जाता है। लेकिन इतनी बड़ी हार के बावजूद भी फ्रांस के लोग उसे एक हीरो की तरह ही ट्रीट करते हैं, और टाइम के साथ साथ नेपोलियन की इमेज जनता के बीच एक मसीहा की तरह हो जाती है। और क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से फ्रांस के पास उस टाइम पर एक टेम्परेरी गवर्नमेंट थी, इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की कमजोर गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी देखा, और 9 नवंबर 1799 में अपने भाई ल्यूसीन और 4 लीडर के साथ मिलकर फ्रांस की गवर्नमेंट को ही डिसॉल्व कर देता और खुद को फ्रांस की जनता के फुल सपोर्ट के साथ फ्रांस का फर्स्ट कंसुल की तरह अपॉइंट हो जाता है। फ्रांस का फर्स्ट कंसुल अपॉइंट होने के बाद नेपोलियन ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया, जिसे 30,15,067 लोगों में से 30 लाख यानी 99.94% लोगों ने फेवर किया। लेकिन उस टाइम के हिस्टोरियन ये मानते हैं कि नेपोलियन के भाई ल्यूसीन ने इन वोटिंग के आंकड़ों में छेड़छाड़ करी थी, लेकिन आम जनता के अलावा फ्रांस के एलीट क्लास भी नेपोलियन के फेवर में हो गए, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के एक अमेंडमेंट में नेपोलियन ने ये मेंशन किया था कि जो प्रॉपर्टी उस टाइम पर चर्चेस ने लैंडलॉर्ड से जब्त कर ली थी, उन प्रॉपर्टीज की ओनरशिप लैंडलॉर्ड को वापस लौटा दी जाएगी। लेकिन भले ही ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट फ्रांस को एक रिपब्लिकन बनाता था, लेकिन फिर भी सारे फैसले सिर्फ नेपोलियन की मुट्ठी में ही थे। इसलिए नेपोलियन अब फ्रांस के एक डिक्टेटर की तरह एक्ट करने लगा था, जिसके बाद नेपोलियन के फ्रांस के एम्परर बनने के बावजूद भी उसकी ख्वाहिशें और बड़ी हो चुकी थी। अब वो पूरे यूरोप पर रूल करना चाहता था, और ये सपना पूरा करने के लिए साल 1800 में उसने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जंग छेड़ दी, और आखिरकार जाकर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस बैटल ऑफ मैरिंगो को अपनी सूझबूझ से जीत लिया, जिसके बाद नेपोलियन की इतनी सारी अकॉम्प्लिशमेंट्स दूसरे यूरोपियन कंट्री को खटकने लगे। इसलिए वो सब साथ मिलकर एक अलायंस बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। भले ईयर 1810 तक नेपोलियन ने अपना एम्पायर कई देशों को हरा कर और बड़ा कर लिया था, लेकिन अभी भी वो ब्रिटिश एम्पायर को हराने में नाकाम था। और उसके बाद नेपोलियन ने ब्रिटेन के अगेंस्ट कई वॉर्स में पार्ट लिया, लेकिन सब में वो नाकाम ही रहा। ब्रिटेन से नेपोलियन के हार के बाद अलाइड कंट्रीज ने नेपोलियन के लिए एक शांति समझौता करने के लिए ऑफर भेजा कि उसको अपना कब्जा बेल्जियम और दूसरे हिस्सों से छोड़ना होगा, और फ्रांस की बाउंड्री को साल 1791 के मैप के अकॉर्डिंग करना होगा। इसके बावजूद भी वो फ्रांस का एम्परर बना रह सकता है। फिर भी नेपोलियन ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। इससे पहले नेपोलियन रशिया में हुई वॉर में भी काफी बुरी तरह हारा था, जिसमें नेपोलियन ने अपने काफी फौजी तक खो दिए थे, और इस बात का ब्रिटेन को काफी अच्छे से पता था कि नेपोलियन अब काफी कमजोर पड़ चुका है। इसका फायदा दूसरे अलाइंड नेशन जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, प्रूशिया जैसी कंट्रीज ने उठाया, और सबने नेपोलियन की कमजोरी देखते हुए फ्रांस पर एक साथ हमला कर दिया और नेपोलियन को हराकर उसे देश से बाहर कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद नेपोलियन अपनी एग्जाइल से फिर वापस आकर बेल्जियम पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार सारी अलाइंड कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन से एक और आखिरी जंग लड़ी, और इस बैटल को ड्यूक ऑफ
ऑफ वेलिंगटन ने लीड किया, जिसे बैटल ऑफ वाटरलू नाम से बुलाया गया। और आखिरकार इस बैटल में नेपोलियन की बुरी तरह से हार हुई और सारी अलाइन कंट्रीज ने फ्रांस के अगेंस्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करी और फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया। इतनी बुरी हार के बाद नेपोलियन को फ्रांस से हमेशा के लिए एग्जाइल करके उन्हें अटलांटिक ओशन के सेंट हेलेना आइलैंड पर भेज दिया गया। और 5 मार्च 1821 में नेपोलियन की अचानक से डेथ हो जाती है और ऑटोप्सी की रिपोर्ट में डेथ का रीजन स्टमक कैंसर बताया जाता है। और यहाँ तक ऑटोप्सी के दौरान बड़े ही मिस्टीरियस वे में उनका प्राइवेट पार्ट तक काट दिया जाता है। और काफी हिस्टोरियंस उनके प्राइवेट पार्ट्स काटने की वजह नेपोलियन के पर्सनल प्रीस्ट रेवरेंड रिचर्ड बॉय, जो कि उनके साथ सेंट हेलेना में उनके एग्जाइल पर भी मौजूद थे, उन्होंने उस टाइम पर मौजूद डॉक्टर्स जिन्होंने नेपोलियन की ऑटोप्सी करी थी उनको रिश्वत दी थी नेपोलियन के प्राइवेट पार्ट्स काटने की, ताकि वो नेपोलियन से रेवेंज ले सके। और रिचर्ड नेपोलियन से रेवेंज इसलिए लेते हैं क्योंकि एक बार नेपोलियन ने रिचर्ड को नपुंसक बोल दिया था, लेकिन फिर भी उस टाइम लोगों का ये मानना था कि नेपोलियन की मौत एक्चुअली में एक साजिश थी, क्योंकि नेपोलियन की मौत आर्सेनिक पॉइजनिंग से हुई थी। और आर्सेनिक जो कि जानबूझकर नेपोलियन के रूम में लगे वॉलपेपर पर लगाया गया था, ताकि आर्सेनिक की फ्यूम्स धीरे धीरे नेपोलियन की बॉडी में जाएं और बिना किसी को पता चले धीरे धीरे नेपोलियन मौत की नींद सो जाएं। और नेपोलियन की मौत का प्लान अलाइन फोर्सेस ने इसलिए किया था कि उन्हें डर था कि नेपोलियन एक बार फिर से अपने एग्जाइल से वापस न लौट आए और फ्रांस की जनता उन्हें फिर से सपोर्ट न कर दे। इसलिए नेपोलियन की मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एयर 1961 में कुछ डॉक्टर की टीम ने नेपोलियन के हेयर, जिसको मौत के टाइम प्रिजर्व किया गया था, उस पर रिसर्च करी और रिसर्च में उस हेयर पर आर्सेनिक की भारी मात्रा पाई थी। तो आखिरकार आपको क्या लगता है, क्या थी असली वजह नेपोलियन की मौत की? क्या उनकी मौत आर्सेनिक पॉइजनिंग से हुई थी या स्टमक कैंसर से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप नेपोलियन के बारे में और जानना चाहते हैं तो हाल ही में नेपोलियन की मूवी रिलीज होने वाली है, उसको जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।